फ्रेंड्स यहाँ पे बन रहा है सूजी का हलवा, जिसमें मैं 2 टेबल स्पून देसी घी ले ली हूँ और सूजी को छान ली हूँ। और अब यहाँ पे सूजी को फ्राई करना है। हमारे पास कुछ ज़्यादा सामग्री नहीं है, तो सिंपल कैसे बनाते हैं सूजी का हलवा, तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं। और झटपट बन जाने वाली है, तो इसको अच्छे तरीके से लाल फ्राई करूँगी। पहले सूजी को देख सकते हैं इस तरीके से चलाना है, और चलाकर रेड फ्राई कर मतलब रेड भूनना है इसे अच्छे तरीके से। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं इसका जो है कलर चेंज हो गया है, यानी हमारा सूजी फ्राई हो गया है। अब इससे ज़्यादा फ्राई करूंगी तो ये जल जाएगा, तो अब इसमें ऐड कर लूंगी चीनी। तो चीनी आप अपने हिसाब से ऐड करें, अगर ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो थोड़ी सी चीनी एक्स्ट्रा ऐड कीजिएगा, और अगर नॉर्मल खाना पसंद करते हैं तो अभी हाफ कटोरी छोटी वाली बॉल्स से इसमें मैं चीनी ऐड करूंगी। तो देखिए फ्राई हो गई है अच्छे तरीके से ये, तो चलिए अब चीनी ऐड कर लेती हूँ इसमें। तो फ्रेंड्स जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे मैं चीनी ले ली हूँ, और चीनी के साथ में भी मैं सूजी को 1 से 2 मिनट तक फ्राई करूंगी, हमारा चीनी जो है मेल्ट हो जाएगी अच्छे से। तो अभी फ्राई करूंगी और थोड़ी सी सूजी भी और फ्राई हो जाएगी। बस सूजी को कंटिन्यू चलाना है ताकि हमारा सूजी है वो कढ़ाई में जल ना जाए, तो इस तरीके से ध्यान देना है आपको, कंटिन्यू चलाना है सूजी को। और विदाउट ड्राई फ्रूट का बनाऊंगी मैं ये हलवा, जैसे कि आप लोगों को बार बार बता रही हूँ। कुछ ड्राई फ्रूट है जो मेरे पास पड़े हैं, बट मैं नहीं यूज करूंगी इसमें, तो यहाँ पे देख सकते हैं। और आंच को बिल्कुल लो फ्लेम पे रखी हूँ। अब इसमें ऐड कर दूंगी पानी, तो यहाँ पे 1 बड़ा ग्लास मैं पानी ले ली हूँ। अब इसे ऐड कर दूंगी, और पानी ऐड करने के बाद अच्छे तरीके से चला लूंगी इसे ऐसे। अब फ्लेम को कर दूंगी मीडियम एंड हाई। अब यहाँ पे इसे कर दूंगी कवर, तो अब वेट करती हूँ खोलने की। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं जैसे कि हमारा सूजी का हलवा बनकर रेडी हो गया है बिल्कुल, और देख सकते हैं घी भी छोड़ दिया है, तो हमारा हलवा बिल्कुल तरीके से पक गया है। तो आप लोग भी इंजॉय कर सकते हैं इवनिंग के नाश्ते में, जब भी कुछ मीठा खाने का मन करे तो फटाफट बना सकते हैं। तो चलिए थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए आते हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरीके से घरेलू रेसिपी लेकर आती रहूंगी, और मिलूंगी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो किनको किनको अच्छा लगा कमेंट कीजिए, और इसे ऑब्जर्व करती हूँ। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं फाइनली जो है मैं इसको बर्फी कट कर दी हूँ, बर्फी तरह से पीस पीस कट कर ली हूँ, और ऊपर से गार्लिक कर दी हूँ किशमिश। तो चलिए आप लोग भी इंजॉय कीजिए, बनाइए और घर पे इंजॉय कीजिए।